Good morning, Surya. Today we are going to start chapter number 5, Air. What is air? Air क्या होती है? Air एक हवा होती है जो कि हम महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते हैं. It means we can feel the air but we can't touch the air. Air दो तरीके की होती है. First one is clean and fresh air and the second one is dirty or polluted air. क्लीन और फ्रेश एयर मतलब साफ सुथरी हवा जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है. इट इज़ गुड फॉर आर हेल्थ. वहीं डर्टी और पॉल्यूटेड एयर मतलब गंदी और प्रदूषित हवा जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती. इट इज़ नॉट गुड फॉर आर हेल्थ. सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर नाउ. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. एयर हमारे आस पास है, हर जगह है. ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू लिव. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन्हें एयर की ज़रूरत होती है. लिविंग बींग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, हम बिना हवा के नहीं रह सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द एयर वी ब्रीथ इज़ क्लीन एंड फ्रेश. ये बहुत ज़रूरी है. जो हम हवा ले रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए. ह्यूमन बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. वहीं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन बाहर निकालती है. ये एक साइकिल है. प्लांट्स एंड ट्रीज मेक द एयर फ्रेश एज दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स और ट्रीज एयर को फ्रेश बनाते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो कि उन्हें एयर से मिलती है खाना बनाने के लिए. और खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, जिसे हम लिविंग बींग्स एयर ले सके, हवा ले सके, सांस ले सके, ब्रीथ ले सके. इन दिस वे प्लांट्स मेक द एयर क्लीन फॉर अस एंड विच इट विद ऑक्सीजन. इस तरीके से प्लांट्स एयर को क्लीन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. डर्टी और पॉल्यूटेड एयर इज बैड फॉर आर हेल्थ एंड हार्म्स एनवायरमेंट अराउंड अस. डर्टी और पॉल्यूटेड एयर मतलब गंदी और प्रदूषित हवा जो होती है वो हमारे हेल्थ को खराब करती है, हार्म पहुँचाती है, नुकसान देती है और हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाती है. हाउ डस एयर गेट पॉल्यूटेड. हवा प्रदूषित कैसे होती है. ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम इंसान होते हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ पॉल्यूट द इन्वायरमेंट. इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है. दे आर बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. जो हम पटाखे बजाते जो उसका धुआं निकलता है वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स ऑन द रोड. जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं निकलता है वो हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाता है. इससे बीमारियों से भी इंसान घिर जाता है. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज. जो फैक्ट्रीज में काम होता है जिसका स्मोक निकलता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह हार्म पहुंचाता है. थ्रोइंग वेस्ट इन द ओपन और इन द वाटर बॉडीज. वेस्ट मतलब जो कूड़ा होता है अगर हम अपने ओपन में फेंके, मतलब खुले में फेंके, डस्टबिन यूज़ ना करें या फिर वाटर बॉडीज जैसे कि नदी में बहा दें तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है. बर्निंग ऑफ गार्बेज रबर और वुड. अगर हम गार्बेज को जला रहे हैं, ये रबर को या फिर वुड मतलब लकड़ियों को जला रहे हैं, जो उससे धुआं आता है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है और इससे इंसान भी बीमार होता है और हमारा एनवायरनमेंट भी खराब होता है. सो हेयर इज़ अ क्विक रिविजन. डैश और डैश एयर इज बेड फॉर आर हेल्थ. कौन सी एयर हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, मैंने भी बताया था ना आपको. यस, इट्स डर्टी एंड पॉल्यूटेड एयर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो. इट्स टू एंजॉय फ्रेश एयर एंड स्टे हेल्दी. द फर्स्ट पॉइंट, वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज टू गेट फ्रेश एंड क्लीन एयर. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करने चाहिए जिससे हमें फ्रेश और क्लीन एयर मिले. वी शुड गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक्स टू पार्क्स और ग्रीन एरियाज टू एंजॉय फ्रेश एयर. हमें अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए,
जो कि ग्रीन एरिया हो या फिर किसी भी पार्क में चले जाइए या फिर ग्रीन एरिया में चले जाइए, क्योंकि वही दो जगह होती है जहाँ पे आपको फ्रेश और क्लीन एयर मिलती है। वी शुड कीप द डोर्स एंड विंडोज ओपन टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर स्पेशली इन द मॉर्निंग। हमें डोर्स विंडोज ओपन करनी चाहिए स्पेशली मॉर्निंग में तो करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सूरज की जो रोशनी मिलती है वो हमारी बोन्स के लिए अच्छी होती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और जो सुबह की हवा होती है वो हमें फ्रेश फील करवाती है। वी शुड थ्रो द गार्बेज इन कवर्ड बिन्स एंड नॉट थ्रो इट इन द ओपन। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमें कवर्ड बिन्स में मतलब डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ओपन में कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। वी शुड हैव फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज सराउंडेड बाई ग्रीन एरिया। हमारी जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं वो ग्रीन एरिया एंड अवे फ्रॉम कॉलोनीज एंड रेसिडेंशियल एरिया, कॉलोनीज और रेसिडेंशियल एरिया से दूर होनी चाहिए, हमारे घर के आसपास हमारे ऑफिस के आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका फैक्ट्रीज का धुआं निकलता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इट इज़ हार्मफुल फॉर आर हेल्थ। वी शुड यूज अ हैंडकरचीफ व्हेन वी कफ और स्नीज दैट जर्म्स डू नॉट स्प्रेड इन द एयर। हमें हमेशा हैंकरचीफ मतलब हैंकी यूज करना चाहिए जब हमें कफ कफ मतलब खांसी आए या फिर स्नीज स्नीज मतलब छींक आए, क्योंकि जब हम खांसते हैं छींकते हैं तो हमारे जर्म्स निकलते हैं जो कि फैलते हैं। अगर हम हैंकी यूज करेंगे तो इससे बीमारी नहीं फैलेगी और सामने वाला भी बीमार नहीं होगा हमारे जर्म्स से। सो हैव यू वंडर्ड व्हाट कैन बी हैपन टू अस इफ यू ब्रीथ इन डर्टी एंड हार्मफुल एयर। आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम गंदी हवा में सांस लेंगे? वी फॉल सिक, हम बीमार हो जाएंगे। वेन द एनवायरमेंट अराउंड अस इज पॉल्यूटेड इट अफेक्ट अस डायरेक्टली। जो हमारा जो एनवायरमेंट होता है वो हार्मफुल होता है, मतलब हवा सही नहीं दे पाता या पॉल्यूटेड ज़्यादा हो जाता है तो हमें डायरेक्टली हार्म करता है, हमें नुकसान पहुँचता है। सो वी मस्ट प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट फ्रॉम बींग पॉल्यूटेड। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने एनवायरमेंट को जिससे पॉल्यूटेड ज़्यादा ना हो। Each one of us must play an important role in keeping the air around us clean, fresh and healthy. हम सबको अपना एक important role play करना चाहिए जिससे हम अपने environment को clean, fresh और healthy रख सके। Role in keeping the air around us clean, fresh and healthy. हम सबको अपना एक important role play करना चाहिए जिससे हम अपने environment को clean, fresh और healthy रख सके, जिससे हम बीमार न पड़े और हमारे environment fresh रहे। So that's all in this chapter. Thank you.